प्रियंका का है बर्थडे। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज था मयंक का बर्थडे है, शहर से गांव में ही आया हुआ था, तो हमने इसके लिए केक यहाँ पर मंगा लिया था। इसने अपने बर्थडे पे डेकोरेट वगैरह कुछ नहीं किया, सिर्फ एकदम केक मंगाया और इसे काटना, इसका कुछ नहीं प्लान था अभी तक, एकदम इसका अभी प्लान बना था और इसको ऑर्डर कर दिया बगरे से। और किसी बच्चों को नहीं बुलाया है, इसके अंकल जी राहुल टिंकू और हम थे, और हमने परिवार में दो बच्चों को बुला लिया था और हमने इसके बस चलो मिल चुका है। यहाँ चल रही है पिज्जा पार्टी। मयंक कुछ कहना चाहोगे आप पिज्जा पार्टी के बारे में? क्या कैसा लग रहा है पिज्जा खाकर? मैंने खाया। मयंक का बर्थडे होता है 17 तारीख में और सिर्फ का बर्थडे होता है 19 तारीख में, सिर्फ बीच में एक दिन का ही गैप होता है। यहाँ पर रवि ने हमें मुझे दिया है गिफ्ट, तो हम इस गिफ्ट को ओपन करेंगे। यहाँ पर हमें रवि ने दिया है ये गिफ्ट, तब हम इस गिफ्ट को ओपन करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे। तो इसका स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ये स्विफ्ट ये हैं, हैप्पी बर्थडे बच्चे पर ताले आई। अब सबको खिलाने के बाद लास्ट में मैंने खाना खाया था, हमने यहाँ पर बनाए थे छोले भटूरे और दही है और खीरे। फिर रात में हमने 10 बजे के बाद केक काटा और परी के पापा का वेट करते रहे, क्योंकि परी कह रही थी कि मैं अगली बार अपने पापा के साथ केक काटूंगी, हमारे पापा नहीं रहते हैं और किसी को नहीं बुलाया था। और मयंक और इसके अंकल जी भी वेट नहीं कर रहे थे, कह रहे चल तो अपने पापा के साथ ही काट लेना, क्योंकि बहुत बार बार बोल रही थी मैं अपने पापा के साथ ही केक काटूंगी अपनी बार। सीधे खड़ी हो।
जगह पर मुझे अंशु ने गिफ्ट दिया है। तो गिफ्ट तो बड़ा है, पर देखते हैं इसके अंदर छोटा निकलता है बड़ा। तो अभी इसको हम ओपन करते हैं। और यहाँ पर इन्हें परिधि टू अंश लिख रखा है। ये कितना प्यारा दिया है अंशित ने। यहाँ पर एक पिन भी दिया है, ये देखिए, ये लव लिखा है इस पे। कितनी प्यारी लग रही है ये, टेडी बियर है। ये देखिए कितना क्यूटी सा पिंक कलर का टेडी बियर है। और तो ये देखिए यहाँ पर एक और टेडी है, दोनों भाई बहन है ये। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो मैं अंश को थैंक्स कहना चाहूंगी इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। मेरे छोटे भाई ने कितना सारा सामान दिया है एंड कितना अच्छा सामान दिया है। और इसकी ये सारा इसकी पसंद की है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा।